गाइस वेलकम बैक इन द क्विकेस्ट क्वेश्चन। और इधर है हमारे पास एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन। तो इंट आई है -3, जे है 2, के है 0 और एम को इनिशियलाइज नहीं किया है, सब बराबर है इधर। और फिर इधर चलो चलते एम में प्लस प्लस आई, और ये जो एंड डबल एंड है वो एंड गेट की तरह काम करता है। एंड गेट आपने पढ़ा होगा 12th में, तभी आप कॉलेज में आए और तभी आप सी लैंग्वेज कर रहे हो, और अगर नहीं करे तो भी आपको एंड गेट मतलब थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूँ कि एंड गेट में अगर दो जो है आउटपुट वो 1-1 हो तो 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा, ठीक है, इतना याद रखो। तो हम करेंगे प्लस प्लस आई है वो प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले प्लस 1 होगा और फिर आई में जाएगा, तो क्या होगा इधर, तो एम इज इक्वल्स टू प्लस प्लस आई है तो पहले प्लस 1 होगा फिर इधर पुट होगा तो -2 होगा, तो -2 लिख दिया, दो बार एंड है, फिर प्लस प्लस जे, फिर प्लस 1 करो और फिर इधर रखो तो 2+1 3 कर दिया, और फिर एंड गेट, और फिर प्लस प्लस के तो इधर पहले प्लस करो तो 1 आ जाएगा और फिर इधर रखो। अब इसका ऑपरेशन करना है, एंड गेट मैंने कहा था अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा वरना फॉल्स आ जाएगा। तो देखो इधर 3 है और इधर -2 है, कोई भी 0 नहीं है ना, दोनों ट्रू है, जीरो तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो m इक्वल्स टू 1 एंड एंड 1, और मैंने कहा था 1-1 हो तो 1 आएगा आंसर, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो m का आंसर क्या आ जाएगा, m मिल जाएगा हमें 1, ठीक है, तो m 1 मिल गया। तो इधर क्या आएगा अब, i j k m, तो i में हुआ था -2 हुआ था तो -2, j में 3, k में 1 और m में भी 1, तो -2 3 1 1, ऐसा आउटपुट आना चाहिए ना, तो चलो देख लेते हैं, देखो -2 3 1 1, ठीक है, तो ये याद रखना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, और मिलते हैं अगले वीडियो में अपन, बाय बाय।